रघुराई पग दो कर नाव चढ़ई हो, पग दो कर नाव चढ़ई हो। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रज्ञा और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। जो नाविक है, जिसको कि हम बोटमैन कहते हैं, बड़ा ही परेशान है। अब परेशान क्यों है? क्योंकि श्री रामचंद्र जी उसके पास आ गए हैं और उससे बोलते हैं कि हे नाविक, मुझे ये गंगा नदी पार करा दो। प्रभु को 14 वर्ष का वनवास हो गया है और वो नाविक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि प्लीज़, कृपया मुझे ये गंगा नदी पार करा दो नाविक। नाविक बड़ा परेशान है और नाविक कहता है श्री रामचंद्र जी से, रघुराई पग दो कर नाव चढ़ई हो, पग दो कर नाव चढ़ई हो। श्री रामचंद्र जी बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि भैया, ऐसा क्या हो गया कि ये मेरा पहले पैर धुलेंगे और तब नाव में चढ़ाएंगे? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? पूछते हैं क्या हुआ। फिर बोलता है नाविक, बिन पग धोए सुन मोरे राजा, बिन पग धोए सुन दाता नहीं गंगा पार करई हो, पग दो कर नाव चढ़ई हो। जिद पे आ गया भाई कि पहले मैं पग आपका धुलूंगा तभी गंगा पार कराऊंगा, नहीं तो गंगा पार नहीं करवाने वाला हूँ दाता, आप समझ लो। प्रभु कहते हैं कि तू इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, तो क्यों तुम मुझे जो है नाव पे नहीं चढ़ाओगे? कहता है नाविक, तब चरणन की महिमा जानी, परस पाए पाथर भयो नारी, परस पायो पाथर भयो नारी, मोरी नैया काठ की नैया, ये बेचारी काठ की नैया, सगरे कुटुंब की पालन हारी, सगरे कुटुंब की पालन हारी, नौका से जो नार भई तो, नौका से जो नार भई तो, कित जई हो का खई हो, नहीं यो नहीं नाव चढ़ई हो, नहीं यो नहीं नाव चढ़ई हो। केवट कहता है कि हे ईश्वर, हे दाता, मुझे सब पता है, आपने एक पत्थर को जो है स्पर्श कर दिया था और वो एक स्त्री में बदल गई थी, तो आप अगर मेरे साथ भी ऐसा हो गया, आपके इन पाँव में कोई तो जादू टोना है प्रभु, कि आप जो है ऐसा आपने कर दिया था, और अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मेरी ये नैया तो बेचारी काठ की नैया है, इस पे आप चढ़ गए और ये नौका से नारी बदल गई, तो मेरे कुटुंब का खाना पीना सब कुछ तो इसी से होता है, ईश्वर क्या होगा मेरा, कैसे रहूँगा मैं, इसीलिए नहीं नहीं मैं ये रिस्क नहीं लूँगा, कोई वारंटी गारंटी भैया मैं तो नहीं लूँगा, और बिना पैर धुले आपको जो है गंगा पार नहीं कराऊँगा। नाविक के इस जिद पे प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और जो है पग धुलने के लिए उसे सम्मति दी कि ठीक है, तुम मेरे पांव धुल लो और मुझे जो है गंगा पार करा दो। अपने रघुराई है ही ऐसे। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताती हूँ। आपको पता है जो जगह श्री रामचरितमानस में उस केवट को दी गई है, कहा गया है कि प्रभु के मर्म को, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी की आइडेंटिटी को उस केवट के अलावा और कोई जान ही नहीं पाया है पूरे रामचरितमानस में। उनकी स्वयं की माँ कौशल्या माँ भी नहीं जान पाई हैं ईश्वर उनको, प्रभु श्री रामचंद्र जी को, बस और बस वो केवट ही है जो उनके मर्म को जान पाई है। अब हम तो ठहरे कलयुगवासी,
सोचेंगे लोग कि जो है कि इससे मेरा क्या लेना देना, ये तो तब की बात हो गई, इससे हमें क्या सीख मिलने वाली है। तो इससे भी हमें सीख मिलती है। नाविक क्या कर रहा था? नाविक जो है अपना कर्म कर रहा था, उसके सामने भगवान थे, ईश्वर थे। वो ये जानता है कि ये कोई साधारण इंसान तो है नहीं जिसके चरण से, जिसके स्पर्श से जो है पत्थर स्त्री बन सकता है, तो ये साधारण तो है नहीं। लेकिन फिर भी वो अपना कर्म किया और ईश्वर से बोला कि बिना पांव आपके धुले मैं आपको नाव में चढ़ने नहीं दूंगा रघुराई। तो कहते हैं इसीलिए कि जो अपना कर्म करता है भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। उसने अपना कर्म किया और यही कारण है कि प्रभु ने उसका साथ दिया। इसलिए अपना कर्म करिए, भगवान आपका साथ हमेशा देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, प्रणाम, नमस्ते।